हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आम का अचार बनाने जा रहे हैं क्योंकि अब आम का मौसम आ गया है इस टाइम, और आम का अचार साल में एक ही बार डलता है, इसी मौसम में डलता है। तो हम आम का अचार डालते हैं, वो भी पंजाबी स्टाइल में, तो पूरे साल वो चलेगा और साल के बाद भी चल सकता है अगर बचेगा तो। पर इतना टेस्टी होता है कि वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। पर उसमें ध्यान देने वाली बातें ये है कि आम का अचार जब भी डालें, एक तो बढ़िया आम लें। रामकेला आम का मैं अचार डलवाती हूँ, तो रामकेला अचार का सबसे बढ़िया अचार रहता है, तो रामकेला आम लें। और दूसरा, उसको अच्छे से धो लें और उसके बाद इसको अच्छे से धूप लगा के सुखाएं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं जो कि हमारा अचार, ज्यादातर ये शिकायत आती है कि अचार खराब हो जाता है, हमारे हाथ का अचार टिकता नहीं है, तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है, इसीलिए अचार टिकता नहीं है। और ऑयल भी अच्छी किस्म का लें, मसाले अच्छी किस्म के लें क्योंकि ये पूरे साल के लिए चाहिए। और ऑयल को हमेशा गर्म कर लें। अगर आपके मसाले फ्रेश हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अगर पुराने मसाले पड़े हुए हैं तो उनको हल्का सा आप उसमें कढ़ाई में भून लें, थोड़ा सा हल्का सा ही करना है, जिससे कि उसकी नमी जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि नमी रहेगी तो उससे अचार खराब होने का डर रहता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। और जो मर्तबा हम लें वो आप प्लास्टिक का ना लें, या तो आप चीनी मिट्टी का लें या फिर आप कांच का लें, क्योंकि प्लास्टिक में अचार खराब होने का डर रहता है। और अचार खराब होने इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अचार हमारा बहुत बढ़िया बन गया है, अच्छे से रखा हुआ है, और जब निकालते टाइम आप कोई भी चम्मच पड़ा हुआ उससे उठा ले, चाहे उसमें थोड़ा अन्न का दाना लगा हो, तो अन्न का दाना जैसे अचार में जाएगा तो अचार खराब हो जाएगा। या पानी से गीला पड़ा हो चम्मच वो डाल दें तो उससे भी अचार खराब हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि अचार को अलग से आप एक डिब्बी में निकाल लें जितना आपको जरूरत हो, और बाकी आप बंद करके रख दें। इससे अचार सालों साल चलता है और कभी खराब नहीं होता। तो चलिए बनाते हैं आम का अचार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैंगो का अचार डालने वाले हैं। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए और कैसे डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने मैंगो लिए। मैंगो इसमें आप बढ़िया वाले मैंगो लेंगे, क्योंकि मैंगो कई तरीके के आते हैं, पर हम लोग जो अचार डालते हैं उसमें रामकेला मैंगो लेते हैं। तो ये मैंने रामकेला मैंगो लिए 1 किलो, और इसको हम साफ करेंगे, धोएंगे, और इसमें ये जो गुठलियाँ निकलती हैं वो निकाल देंगे, और इसको अच्छे से वॉश करके हम लोग धूप में सुखा देंगे। ये मैंने कटवाए हुए हैं, आप चाहे तो खुद काट लीजिए या मार्केट में काटने वाले अवेलेबल होते हैं उनसे आप कटवा सकते हैं। तो छोटे छोटे पीसेस ही करिए जिससे कि वेस्ट ना जाए। इस तरीके से हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इसको साफ कर लेंगे, और ये गुठली जो होती है वो ज़रूर निकाल देंगे। इसको मैंने धो के धूप में सुखाएंगे। अब इसमें हमने क्या क्या डालना है ये देखिए। मैंने सबसे पहले ये मेथी दाना लिया है, ये हम 2 चम्मच के करीब है, और नाप में बोलूँ तो ये मैं 20 ग्राम है। इसी तरह से ये मैंने लिया है लौंजी, ये भी मेरी 20 ग्राम है, 2 बड़े चम्मच। इसी तरह से मैंने सौंफ ली है जो 2 बड़े चम्मच है, और नाप में बोले तो 20 ग्राम। और ये हल्दी ली है 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच मैंने मिर्च ली है, तो ये दोनों भी 20-20 ग्राम, मतलब ये 5 चीज़ें हमारी 20-20 ग्राम है। और ये मेरी 125 ग्राम है, ये नमक जो है वो 125 ग्राम है। इस तरीके से रेशो में आपने सब चीज़ें लेनी है, और इसमें आपका ऑयल जो डलेगा 200 ग्राम के करीब ऑयल इसमें डल जाएगा। तो मैंने अभी मस्टर्ड ऑयल भी ले लिया, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल भी 200 ग्राम लेंगे। तो ये सब चीज़ें ले लेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को, ये तीनों चीज़ों को मिला के पीस लेंगे, दरदरा पीस लेंगे, और फिर बाकी चीज़ें भी हम इसमें मिलाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए मैंने आम को धो के इस तरह से धूप में सुखा लिया है। अब पूरा दिन इसको धूप लगेगी और उसके बाद ही हम अचार डालेंगे। ये देखिए मैंने ये आम सुखाए थे, सूख गए हैं, और बहुत अच्छे से सूख जाने चाहिए। तो ये सूख चुके हैं हमारे, तो चलिए अब आम ये, और ये मैंने मसाले जो आपको बताया था कि कूट लेने हैं सारे, ये देखिए मैंने किस तरीके से दरदरा कूट के इसको मिक्स कर लिया है। ये सभी मसालों को मैंने मिक्स कर लिया जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये मैंने ऑयल लिया है 200 मिलीलीटर लेना है आपने ऑयल। और चलिए बनाते हैं। तो देखिए बड़ी कढ़ाई लेंगे,
और हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ये मैंने ऑयल डाल दिया है सारा, 200 मिलीलीटर मैंने ऑयल लिया था। तो ये ऑयल को हम गरम होने देंगे, हल्का सा धुआं निकलने देंगे और फिर उसके बाद हम बंद कर देंगे इसको। तो गरम होने देते हैं, 2-3 मिनट लगेंगे इसको गरम होने में। मसाले जैसा कि मैंने बताया है, इसमें जो भी मसाले डल रहे हैं वो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है कि 20 ग्राम आपने सारे मसाले लेने हैं, मतलब 2 बड़े चम्मच अंदाजे से हो जाएंगे सभी के। और जो नमक लेना है वो 125 मिलीग्राम लेना है, ठीक है। तो ये सब है और इसको दरदरा पीस लेना है, सभी मसालों को दरदरा पीस लेना है और फिर उसमें नमक हल्दी और मिर्च मिला के इनको इकट्ठा कर लेना, जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया है। अब हमारा ऑयल गरम हो रहा है, इसमें सरसों का तेल डलता है, सरसों का तेल लेना है, इसको हल्का सा गरम कर लेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, हमारा तेल गरम हो गया है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया इसका और साथ में स्मेल भी आ रही है इसमें से और हल्का सा धुआं निकल रहा है। तो ऐसे में हम अब गैस को बंद करेंगे और इसको तेल को ठंडा होने देंगे। ये देखिए ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ये जो मसाले हमने बनाए थे वो डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको जो ये आम थे वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरे में अच्छे से मसाला और तेल लग जाना चाहिए, बाकी के बचे हुए भी मैंने डाल दिए। तो ये सब इसमें डल गए, अब हम मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और सारे मसाले मिल गए हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। अब हम इसको मर्तबान में निकाल लेंगे। हमारा मर्तबान जो है वो या तो चीनी मिट्टी का होना चाहिए या फिर कांच का होना चाहिए, प्लास्टिक में बिल्कुल भी ना रखें क्योंकि उससे रिएक्शन होने का डर रहता है और हमारा अचार खराब हो सकता है। तो या तो आप चीनी मिट्टी के बर्तन में या फिर आप कांच के बर्तन में रखें और उसको ढक के ऊपर कपड़ा बांध दें और उसको कम से कम 3 दिन धूप में लगाएंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे और 3-4 दिन बाद ये अंदर रख सकते हैं आप। पर 3 दिन डायरेक्ट धूप इसके ऊपर जरूर आनी चाहिए, इस तरीके से ऐसी जगह पे रखें या खिड़की के पास या जहाँ पे कि धूप अच्छे से आती हो। तो इसको मर्तबान में रख के अच्छे से टाइटली बंद करके इसको और हम 3 दिन इसको अच्छे से धूप में रख देंगे और हिलाते रहेंगे बीच में दिन में 1 या 2 बार। इसके बाद हमारा अचार हफ्ते के अंदर बन के रेडी हो जाएगा, खाने के लिए तैयार होगा। और ये अचार सालों साल खराब नहीं होता है और बस ये है कि इसमें मतलब कोई भी कड़छी या चम्मच जिससे भी लें वो गीला ना हो, सूखा हो और अन्न का इसमें कोई भी पीस नहीं जाना चाहिए, तब तक ये अचार कभी खराब नहीं होगा। तो इसको चलिए डालते हैं मर्तबान में। इसी तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।